IPL 2023 की नीलामी की तारीख वैसे तो BCCI के द्वारा फाइनलाइज की जा चुकी थी, जहां पर 23 तारीख को कोच्ची में हम सभी लोगों को IPL की नीलामी देखने को मिलने वाली थी। लेकिन अब IPL 2023 की नीलामी की तारीख हमें चेंज होते हुए देखने को मिलने वाली है। BCCI के अकॉर्डिंग वैसे तो 15 तारीख से पहले पहले हर एक प्लेयर को अपने नाम को ड्राफ्ट के अंदर सबमिट करना है और उसके बाद किसी भी प्लेयर के नाम को IPL की नीलामी के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अब BCCI के पास दो बड़ी प्रॉब्लम्स निकल कर आ चुकी हैं, जिससे IPL 2023 की नीलामी की तारीख अफेक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। दरअसल सबसे पहला रीजन है विमेंस IPL का होना, क्योंकि इसी साल मेंस IPL के पहले हमें विमेंस IPL देखने को मिलने वाला है, लेकिन अभी तक उसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी तैयारियां नहीं हुई हैं। जहां एक तरफ विमेंस IPL का टेंडर भी अभी तक आउट नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ BCCI के लिए मेंस IPL के मिनी ऑक्शन को कंडक्ट करवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वहीं जो दूसरी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी IPL टीमें हैं जिनके मालिक ये चाहते हैं कि क्रिसमस के टाइम पर वो ऑक्शन के टाइम पर नहीं आ सकते हैं, उनको 2 से 3 दिन पहले और 2 से 3 दिन बाद क्रिसमस की छुट्टियों के लिए चाहिए। ऐसे में 23 दिसंबर को क्योंकि ये होना है और 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो इस बड़े ही अजीब रीजन के कारण BCCI IPL की नीलामी की तारीख को लेकर श्योर नहीं है। कमेंट करके आप लोग बताइए आपके अकॉर्डिंग नीलामी के बाद कौन सी टीम होगी सबसे स्ट्रांग। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।